करनाल में लूट और चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और पिछले दिनों हमने कई बार देखा कि घरों के अंदर से चोरी हो जाती है और सड़क पर कहीं बैंक में जा रही लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ लूट हो जाती है। कभी कोई बाइक सवार बदमाश आवारा लड़का मोबाइल छीनकर भाग जाता है तो कभी पर्स छीनकर भाग जाता है। दयाल सिंह कॉलोनी की एक तस्वीर जो हम आपको सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाएंगे, यहाँ पर एक वारदात होती है और फिलहाल पुलिस में शिकायत जरूर दे दी गई है। ये लड़की जो यहाँ पर पढ़ने के लिए यमुनानगर से आई हुई है, पीजी में रहती है, दयाल सिंह कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा है मैसी, और ऐसे में आप समझ सकते हैं बड़ी मेहनत के साथ ये लोग पढ़ाई करते हैं, परिवार वाले इनके पास पैसे भेजते हैं, लेकिन पीछे से कोई बदमाश आता है बाइक सवार और वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। जो वारदात हुई है पास में ही बैंक में, लड़की पैसे निकलवाने के लिए या किसी काम से जा रही थी, एसबीआई बैंक पास ही पड़ता है दयाल सिंह कॉलोनी में, लेकिन पीजी से घर जाते वक्त, पीजी से बैंक जाते वक्त ये हादसा, ये वारदात हो जाती है। कब हुई ये वारदात, कैसे हुई ये वारदात? 24 तारीख को 3 बजे के आसपास हुई है। जैसे मैं जा रही थी बैंक में तो पीछे से आया वो, पहले उसने 2-3 बार यहाँ पे चक्कर काटे और वो पीछे से आया, फोन छीन के भाग गया आगे बस स्टैंड की तरफ गया, और उसने 2-3 चक्कर फिर दयाल सिंह कॉलोनी में दोबारा से काटे। तो अब मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, पुलिस को बोल रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना डर लगता है ऐसे? अगर डर लगता है क्योंकि उसमें मेरी प्राइवेट फोटोज वगैरह, मेरा सारा डाटा, एमएससी का, बीएससी का सारा डाटा था उसमें, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ था उसमें। पुलिस में कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज करा रखी है, तो अभी कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, बोल रहा है कि ट्रैकिंग पे डाल दिया है नंबर वगैरह फोन वगैरह, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप कहाँ से कहाँ पढ़ने के लिए आए? यमुनानगर से आई हूँ, यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ती हूँ, एमएससी कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, और दयाल सिंह कॉलोनी में ही रहती हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी इनके साथ रहते हैं, ऐसे तो काफी डर लगेगा फिर? हाँ जी सर, ये तो गलत बात है ना, ऐसे फोन करते हुए किसी का चुरा के लेके जाना गलत बात है, ये डर तो है सर, आजकल सेफ ही नहीं है क्योंकि पर्स लेकर कभी लड़कियां बाहर। हाँ जी सर, पर्स लेकर भी और मोबाइल वगैरह भी छीनना तो गलत बात है। पुलिस में कंप्लेंट की है सर, बट अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है सर, 2-3 बार चक्कर भी काट लिया पुलिस स्टेशन के, तो कोई एक्शन नहीं है अभी। तो आप भी दयाल सिंह कॉलेज में ही पढ़ते हैं? नहीं सर, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती। तो क्या कहते हैं, सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीर आई है, वो भी हमने खुद ही देखा है, सीसीटीवी कैमरा, वो भी पुलिस वालों ने नहीं देखा, हमने खुद ही जांच पड़ताल की है, तो उसमें उसकी फुटेज वगैरह आई है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब उसकी बाइक की, लेकिन नंबर नहीं अच्छे से क्लियर आया क्योंकि वो हमने ही देखा है, तो पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बाकी उसकी फोटोज वगैरह तो क्लियर है। एक बार सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें वो लड़का भागता हुआ नजर आ रहा है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन दो लड़कियों की दिखा रहे हैं, इनमें से एक लड़की एक दिन पहले किसी काम से पीजी से बैंक जा रही थी, लेकिन उसी दौरान एक लड़का, बाइक सवार लड़का आता है और जो है लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल आप देख सकते हैं ये बाइक सवार लड़का है जो आपको नजर आ रहा होगा, हीरो की बाइक है, स्प्लेंडर बाइक है और ये येलो कलर की इसने स्वेटर डाल रखी है। इससे पहले भी इस लड़के ने 1-2-3 बार जो है राउंड काटे, बाइक पर काटे और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद ये लड़का फिर से राउंड काटता है दयाल सिंह कॉलोनी में, और फिलहाल इन तस्वीरों में आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा ये लड़का, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, आप इसे ढूंढ सकते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी जरूर दे सकते हैं। दरअसल होता क्या है, बहुत सारे जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं, ऐसे में ये लड़की जिसका नाम कनिका है वो यमुनानगर से पढ़ने के लिए दयाल सिंह कॉलोनी में आई हुई है, यानी कि दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ती है, दयाल सिंह कॉलोनी में रहती है, परिवार वालों की को जानकारी दे दी है? हाँ जी, परिवार वालों को जानकारी दे दी है। डर होगा उनके मन? डर है क्योंकि मेरा सारा डाटा ही था सर उसमें, डर तो डर किसको नहीं लगता सर, फोन था सर उसमें, सारी फोटोज वगैरह सब कुछ था सर, डर तो लगता ही है ना सर, तो इसलिए।
तो उसके बाद कॉलेज में भी आपने कोई बात कही, मतलब प्रिंसिपल वगैरह को? नहीं, एक्चुअली मैं उस टाइम पे घबरा गई थी तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई उस टाइम पे, बट मैंने एक सर को कॉन्टैक्ट कर दिया जो कॉलेज में, जो मेरे सर हैं उनको कॉन्टैक्ट कर दिया मैंने। पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़ा जाए और उसे सख्त सजा दी जाए, और ऐसे चोरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हाँ जी, एक्शन लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बड़ी मेहनत से कमाई की जाती है, बड़ी मेहनत के साथ पैसे कमाए जाते हैं, उससे सामान खरीदा जाता है, कोई मोबाइल खरीदता है, कोई और सामान खरीदता है। और ये लड़की जो अपने पीजी से SBI बैंक में काम के लिए जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं थी इसलिए वो पैदल ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचती हैं पीछे से एक लड़का आता है, क्योंकि यहाँ पर कट है, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है, कम वाहन होते हैं यहाँ पर, बाइक की रफ्तार या गाड़ी की रफ्तार भी धीरे हो जाती है, और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर वो लड़का मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल हमने तस्वीर भी दिखाई है उसे भागते हुए की। अब देखना ये होगा कि पुलिस ने भले ही शिकायत ले ली हो, लेकिन जो लगातार लूट और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं उस पर कब तक लगाम लगती है, और इस लड़की का मोबाइल कब तक पुलिस ढूंढ कर देती है और उस लुटेरे को गिरफ्तार करती है। आप लोगों से अपील है कि अपने सामान का ध्यान रखिए, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं थोड़े से अलर्ट आप भी रहिए, क्योंकि आपके आसपास कौन घूम रहा है और किस वारदात को वो अंजाम दे सकता है, इस बात की भनक आपको नहीं लगेगी और वो एकदम अचानक से आपका मोबाइल छीनकर, आपका पर्स छीनकर या आपके हाथ में कोई कीमती सामान है वो छीनकर फरार हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।